हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट एडर्स क्लब। इंडिया विक्स 20.40 पे काम कर रहा है, मामूली सी बढ़त है, 0.74% बोल सकते हैं या 0.15% की बात कर सकते हैं। निफ्टी 14,873 पे एंड बैंक निफ्टी 32,782 पे काम कर रहा है। दिन भर में 15,000 के आसपास जाने के बाद में आज निफ्टी के अंदर में ऊपर की तरफ से अच्छी खासी बिकवाली हुई है। इतनी बिकवाली हुई है कि जो अपने इंपॉर्टेंट लेबल्स हैं उस लेबल्स के नीचे आके निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। एक कंसर्न है जो चार्ट के ऊपर हम समझने की कोशिश करेंगे, बट निफ्टी फ्यूचर 14,938 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी फ्यूचर 32,943। सो दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों के फ्यूचर्स जो है वो प्रीमियम पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग अच्छा खासा प्रीमियम है इनफैक्ट वहां पे। एक्सपायरी इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे हुई, लेकिन डेटा ने उसमें क्या सपोर्ट किया या डेटा किस तरह से बन के आ रहे हैं वो समझ लेते हैं। 60.85% लॉन्ग पोजीशन बनाया हुआ है, जो कि न्यूट्रल पोजीशन है FII के हिसाब से। 1.30% एडिशन होता हुआ नजर आ रहा है। जब मैं इस एडिशन की बात कर रहा हूं तो इसके अंदर में लॉन्ग्स बनते हुए ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं, शॉर्ट अनवाइंडिंग थोड़ी बहुत होते हुए नजर आ रही है। सो अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी ऑलमोस्ट 54 पॉइंट्स और बीच में 15,000 के आसपास में गया था, तो इसे शॉर्ट अनवाइंडिंग हुई है, पर लॉन्ग्स नहीं बन रहे हैं। सो ओवरऑल ये न्यूट्रल डेटा ही आ रहा है। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से अगर आप FII की डेटा चेक करेंगे तो FII एक रेंज में अपने जो लॉन्ग पोजिशन है उसको भी रेंज में रख रहे हैं, या ऐसा बोलिए इंट्राडे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो कंसर्न ये है कि ऑप्शंस के अंदर में लगभग 5,000 करोड़ की बाइंग की गई है। अब ये बाइंग क्यों हो सकती है, इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन, आज के दिन में एक्सपायरी था। एक्सपायरी के अंदर में अगर हम स्मार्ट मनी की बात करें तो डेफिनेटली वो राइटिंग करके रखते हैं, और अगर राइटिंग करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं बाइंग करनी पड़ेगी, और अगर बाइंग की हम बात करें तो वो फिगर यहाँ पे दिख के आ रहा है। बट चैलेंज ये है कि FII वीकली सीरीज में इतना काम करते नहीं है जितने बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं। सो एक बाइंग देखने के लिए कंसर्न की बात हो रही है। दूसरा, इस बाइंग की वजह से क्या हो सकता है, जब भी उन्हें ऐसा लगता है कि मार्केट वोलाटाइल हो सकता है, मार्केट के अंदर में थोड़ा उठा पटक हो सकती है, वो ऑप्शंस की तरफ मूड करते हैं, ऑप्शंस बाय करके अपनी पोजीशन को हेज कर देते हैं। सो ये हेजिंग के लिए अगर यूज किया गया 5,000 करोड़, तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट के अंदर में आइदर साइड में बड़ा मूव आ सकता है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज बनती हैं, क्योंकि वीकली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में वो कम काम करते हैं। सो एक कंसर्न 5,000 करोड़ ऑप्शन बाय का बनता है सामने। डेरिवेटिव डेटा के बारे में बात करें तो छोटा सा फिगर, 262 करोड़ इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग हुआ है एंड 55 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर्स को माइनस किया यानी बेचा गया है। 54 पॉइंट निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, 54 पॉइंट ऊपर, देन 14,900 के ऊपर काम कर रहे थे, 990-980 तक गए हुए थे, एंड उसके बाद में भी इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में लॉन्ग पोजीशन बनते हुए नजर नहीं आ रही है। ये मार्केट का वीकनेस अपने आप में बता रहा है, या मैं ऐसा बोलूं कि ऊपर के लेवल के ऊपर प्रेशर है, इस चीज को अपने आप में इंडिकेट कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ 262 करोड़ रुपीज की बाइंग इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में देखने को मिल रही है। न्यूट्रल है, कुछ खास नहीं है ये डेटा डेरिवेटिव डेटा के अंदर में। कैश सेगमेंट के अंदर में भी देखिए तो 110 करोड़ की ही खरीदारी हुई है। DII थोड़े से पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं, पिछले 2-3 दिनों से वो खरीदारी कर रहे हैं, आज कल के मुकाबले थोड़ा सा डेटा बढ़ते हुए भी नजर आ रहा है। सो DII को आप एक बार पॉजिटिव इंडिकेशन ले सकते हैं, लेकिन FII अभी भी न्यूट्रल व्यू में ही चल रहा है। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट को समझने की कोशिश करें तो जैसा आपको मालूम है कि मार्केट को स्मार्ट मनी ड्राइव करते हैं, और जब हम ये बोलते हैं मार्केट को स्मार्ट मनी ड्राइव करते हैं तो उनका पैसा अगर आता है तो मार्केट मूव करता है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर या लेट्स से जनवरी तक का एग्जांपल है हमारे पास में। अक्टूबर मंथ में ज्यादा नहीं आया था, लेकिन नवंबर दिसंबर जनवरी का एग्जांपल है हमारे पास में। फरवरी में भी आया था पैसा, लेकिन ये अप्रैल एंड अभी फिलहाल के टाइम पे जो मंथ ये अप्रैल के अंदर में और मार्च के अंदर में फिलहाल के टाइम पे जो मूड में काम कर रहे हैं, पैसे ज्यादा डाल नहीं रहे हो मार्केट में, जिसके चलते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों रेंज में फंसा हुआ नजर आ रहा है। सो जब तक कैश सेगमेंट के अंदर में उनकी तरफ से खरीदारी नहीं आती है, इंडेक्स के अंदर में उनकी तरफ से खरीदारी या बिकवाली नहीं आती है, तब तक किसी भी तरह का ट्रेंड आना मुश्किल है, रेंज में फंसे होंगे। क्लियर कट इंडिकेशन दिख रहा है, FII स्टिल कंफ्यूज है, खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है और नीचे के लेवल पे बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है। इसके वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी या इंडेक्स बोल लीजिए रेंज में फंसता हुआ नजर आ रहा है।
अगर पुट कॉल रेशियो की बात करें तो जिस तरह की पोजीशन बनी है, पुट कॉल रेशियो बढ़ के आया है 1.41 के आसपास में, पुट कॉल रेशियो काम कर रहा है। अब रेंज के अंदर में अगर बात करें 1.41% की, 1.41 पॉइंट की, तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा ओवरबॉट हो जाएंगे। अगर रेंज के अंदर की बात करें, आज का बेहतरीन दिन था, रेंज ब्रेकआउट हुआ था सस्टेन करने का, वहां पर नहीं होता हुआ नजर आया। सो उस हिसाब से आप बोले तो ये थोड़ा सा ओवरबॉट है। आप 1.50-1.52 के आसपास में जाए तो वहां से एक आपको रिलीफ रैली आई मीन टू से मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन होता हुआ नजर आ सकता है। सो आज जितने भी इंडिकेशन दिख रहे हैं, सारे के सारे इंडिकेशन न्यूट्रल दिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडिया विक्स को छोड़ के, क्योंकि इंडिया विक्स कंफर्टेबल लेवल पे काम कर रहा है। ओवरऑल जो व्यू निकल के आ रहा है वो यही आ रहा है कि शायद फिर से हम 14,875 के आसपास रेजिस्टेंस फिर से फेस करने की तैयारी में है, एंड बैंक निफ्टी 33,000 पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। चार्ट के ऊपर में उसके बारे में ज़्यादा समझेंगे, पहले समझ लेते हैं आज ट्रेड कौन सा इनिशिएट किया था। सो कल एक ट्रेड हमने इनिशिएट किया था आरबीआई पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए, वो 31,500 पी था एंड 33,500 का सी हमने लिया हुआ था। लगभग उसके अंदर में अच्छा खासा लॉस हो गया, लेकिन यस ये रिस्की ट्रेड था, ये पहले शेयर किया गया था, क्योंकि आइदर साइड अगर ब्रेकआउट पॉसिबल होता तो इसके अंदर में आपको अच्छे खासे पैसे बनते हुए नजर आ सकते थे। 31,500 अगर फॉल होता, हम 32,000 के आसपास गए थे, फॉल होता तो डेफिनेटली एक बार 600-700 पॉइंट नीचे होना पॉसिबल था, और आज दिन भर के अंदर में लगभग हम 33,300 के आसपास गए थे। सो ऊपर की तरफ अगर एक बार 200-300 पॉइंट ऊपर का ब्रेकआउट होता तो शायद ये प्रॉफिट में क्लोज हो सकता था। इसके अलावा जो एक दूसरी पोजीशन हमने आज के दिन में बनाई हुई थी, वो एक्सपायरी पोजीशन बनाई हुई थी, जिसके अंदर में भी लगभग 1,000 रुपीज़ का लॉस होता हुआ नजर आया हुआ है। कल एक पोजीशन बनाई थी 14,850 का कॉल, 54 के आसपास हमने बाय किया हुआ था, बट इसे मॉर्निंग में 59 पे निकाल दिया, बाद में ये काफ़ी ऊपर तक गया हुआ था, लेकिन इसे 59 पे TSL हिट हो गया तो वहाँ पे एग्जिट करना पड़ा। ओवरऑल अभी तक 74.13% के हिसाब से, सक्सेस रेशियो के हिसाब से कॉल ट्रेड शेयर किए गए हैं। अगर आपको ये ट्रेड नहीं मिल रहे हो तो आप 8291802926 के ऊपर में कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको ये ट्रेड्स आपके मोबाइल पे डिलीवर करने में लाइव मार्केट में हेल्प कर सके। हाँ, उसके लिए जो एक कंडीशन वो है कि आपका प्लेटिनम मेंबरशिप होना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के दिन में किस तरह का काम करते हुए नजर आ सकता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। 14,877 के ऊपर की ओपनिंग एंड सस्टेन ओपनिंग आप बोल सकते हैं, पहले ही कैंडल के अंदर में बढ़िया बाइंग देखने को मिली थी, देन 14,951 से रेजिस्टेंस लेके फिर से ऊपर जाने की कोशिश, लगभग हम 15,000 के आसपास पहुंचते हुए नजर आए थे। मैंने इसे 15,000 के आसपास में, तो जो हाई बनाया है वो 14,982 का बनाया है, लेकिन 15,000 पे इतना अच्छा और खासा ओपन इंटरेस्ट था कि वहाँ पर टिकते हुए नजर नहीं आए, प्रेशर बिल्डअप हुआ और नीचे की तरफ आके क्लोजिंग हुई कहां, अराउंड 14,877। सो जहां पे ओपनिंग हुई थी उसी के आसपास में क्लोजिंग हुई, और फिर से 14,877 आपके लिए एक अगेन इंपॉर्टेंट लेबल साबित हुआ आज के दिन में। सो रेजिस्टेंस है वहां पे, वो क्लियर कट नजर आ रहा है। सो करना क्या चाहिए अब इसके अंदर में, 14,877 अब अगर टिकता है, उसके ऊपर जाने की कोशिश करता है, सो एक बार बाय करना चाहिए। और लेट मी से, अगर आप 14,900 के ऊपर क्लोजिंग होते हुए, हाफ एन आवर का कैंडल देखिए, अगर 14,900 के ऊपर क्लोजिंग होते हुए कैंडल समझ में आवे तो ही लॉन्ग करिए, नहीं तो लॉन्ग मत करिए। हो सकता है एक बार से फिर से 14,600-14,700 के लेवल की तैयारी हो रही हो। सो अगर 14,900 के ऊपर आधा घंटा 30 मिनट टिकता है तो एक बार लॉन्ग करने की कोशिश करें, लेकिन टारगेट बहुत बड़ा नहीं होगा, टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा 14,950, और अगर इसके ऊपर भी निकल के सस्टेन कर जाते हैं तो एक 15,000 तक का टारगेट लेके आप काम कर सकते हो। सो ज़्यादा से ज़्यादा 50-100 पॉइंट ऊपर की तरफ है, तो इतना भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, नहीं लेना चाहिए इतना रिस्क, दिस इज व्हाट आई फील। 14,900 पे अगर लॉन्ग कर रहे हैं तो नीचे की तरफ 14,860 को स्टॉप लॉस एक बार लगाना चाहिए। लेट्स से अगर 14,877 कल के दिन में सस्टेन नहीं करता है और नीचे की तरफ हम 14,840 को तोड़ते हैं, 14,840 को तोड़ते हैं, देन इन दैट केस शॉर्ट क्रिएट करना चाहिए। 14,840 को तोड़ने के बाद में एक बार शॉर्ट क्रिएट करना चाहिए, और टारगेट क्या हो सकता है उसके लिए, पहला टारगेट 14,781 का एंड दूसरा 14,720 के आसपास का टारगेट बनता हुआ वहां पे नजर आएगा। स्टॉप लॉस क्लियर है यहां पे, अगर 14,000
900 के आसपास में काम करता हुआ नजर आए तो स्टॉप लॉस हिट कर लेना चाहिए और निकल जाना चाहिए। सो शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। अगर डेली कैंडल आप देखेंगे तो डेली कैंडल पे डोजी बना हुआ है। कायदे के हिसाब से अगर समझने की कोशिश करें तो डोजी के आइदर साइड जिस साइड में ब्रेकआउट होता है उस साइड में ट्रेड चलने की कोशिश होती है। सो लेट्स से अगर ऊपर की तरफ डोजी ब्रेकआउट करता है या इसे हम तोड़ के कल 15,000 के ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए फिर 15,100, 15,150 एक इंपॉर्टेंट लेवल, 180 तक की बात कर लेते हैं, 180 एक इंपॉर्टेंट लेवल बनता हुआ नजर आएगा। और नीचे की तरफ अगर 14,826, 820 तोड़ता हुआ नजर आया तो डेफिनेटली नीचे की तरफ मार्केट फिर से एक बार जाने की तैयारी करेगा। डोजी सिंपली आइदर साइड जिस साइड भी एंड तोड़ेगा उस डायरेक्शन में जाने की पूरी कोशिश करता है। सो डोजी आपको बेसिकली एक इनडिसिसिव कैंडल बताता है जहां पे बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव थे तो दोनों आज के दिन में एक्टिव वहां पे नजर आ रहे हैं। अगर अभी भी ट्रेंड आप देखेंगे तो हायर हाई हायर लो पैटर्न पिछले दो दिन से जो बना रहा है उसे कंटिन्यू बनाते हुए नजर आया था। आज की क्लोजिंग खाली होनी चाहिए थी थोड़ी 14,900 के ऊपर, मार्केट के अंदर में अच्छी रैली देखने को मिल सकती थी जो कि नहीं होते हुए नजर आया। ऑप्शन चेन अगर देखें तो ऑप्शन चेन के अंदर में फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग कहाँ हुई है 14,873 के आसपास में। सो 14,900 एट द मनी लेंगे, नॉट 850, 14,900 एट द मनी लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप पोजीशन कैसे बिल्टअप है। 17,067 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, 26,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट 15,000 पे देखने को मिल रहा है जो कि अभी भी एक इंपॉर्टेंट एक आप बोले इंपॉर्टेंट सपोर्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की बात कर सकते हैं या तो अगर इसे समझने की कोशिश करिए तो इस तरह से बोल सकते हैं कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अब साइकोलॉजिकल लेवल है तो डेफिनेटली उस हिसाब से थोड़ा सा प्रेशर तो क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। सो 26,724 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है और वैसा ही कुछ ओपन इंटरेस्ट आपको थोड़ा नीचे देखने को मिलेगा वो है 26,550 का 15,500 पे, बेसिकली 500 पॉइंट ऊपर आज जहां पे हमने हाई पॉइंट के आसपास पहुंचे हुए थे। बीच में भी 22,000 जो कि 15,200 के आसपास में 15,100 पे थोड़ा और भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ऊपर के रास्ते अभी भी खुले हुए नजर नहीं आ रहे हैं और उसके चलते हुए आपको एक बार शायद नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। छोटा सा कंपैरिजन करके देखिए 15,000 पे 26,724 देन 15,100 पे 14,000, 15,200 पे 22,000, जस्ट इमीडिएट मैंने आपको तीन आउट ऑफ द मनी जो स्ट्राइक्स है उसके बारे में बात किया है। 14,900 भी ले लीजिए तो 17,000 है। नाउ यू नीड टू चेक कि 17,000 यहाँ पे कहाँ है 14,500 पे। अगर इसे सिंपल कंपैरिजन में समझा जाए तो जितने कॉल राइटर 14,900 पे एग्रेसिवली एक्टिव हैं उतने पुट राइटर्स 14,500 पे कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। मतलब एक बार शायद से नीचे जाने का माहौल फिर से बन रहा है, शायद से आने वाले दिनों के अंदर में एक दो दिन के अंदर लेट्स से फ्राइडे या मंडे के दिन में 14,700 14,650 का लेवल एक बार फिर से देखने को मिल सकता है हमें। सो दिस इज समथिंग थोड़ा सा ये टेंशन वाली बात है, जिस तरह से ऑप्शन में काम हुआ वो भी टेंशन वाली बात तो बन रही है। पुट साइड की बात करें तो डेफिनेटली सपोर्ट आपको सीधा 14,500 पे ही नजर आ रहा है। वॉल्यूम थोड़ी बहुत है, आई मीन जो से थोड़ा बहुत यहाँ पे पोजीशन बनता हुआ नजर आया है, बहुत ज्यादा पोजीशन नहीं है। रेंज बड़ी बन रही है जो कि 14,500 से लेके 15,050 की मैं बात करूंगा, यहां तक की रेंज इस वीक में देखने को हमें मिल सकती है। अपसाइड कैप लग रहा है अभी भी निफ्टी के अंदर में। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी, होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा, दोस्तों के साथ में शेयर करेगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया रहेगा और साथ में आप प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।